All right, class. Assalamu alaikum and welcome back. So, in today's lecture, we are going to cover the other two types of loop. The second one is the while statement, or the third loop हम पढ़ेंगे वो है do while statement. The for loop does something a fixed number of times. For loop की जो अभी हमने थोड़े देर पहले revise किया है, जो मिड से पहले हमने cover किया था, for loop जो है fixed number of times के लिए जब हमें काम करवाना हो, हमें पता हो कि iterations fixed हैं, कितने दफ़ा हमें ये काम करवाना है. जैसे हमें पता था triangle हमें 20 times print करवाना है या 15 times printing करवानी है, तो हम for loop को select कर लेते हैं. What happens if you don't know how many times you want to do something before you start the loop? In this case, a different kind of loop may be used, the while loop. And if you do not know the exact number of iterations, you don't know the fixed number of repetition, तो अब आप क्या करेंगे? You will select the while loop. For example, you want to execute the program until zero is pressed. The programmer has no idea when the user will hit zero. User can press zero at the second iteration or at the 20th iteration, so programmer selects while loop. For example, हमको गेम बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि press zero to exit. ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाया है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, प्रेस वन टू कंटिन्यू, प्रेस जीरो टू एग्जिट. अब आपको नहीं पता यूजर सेकंड चांस में ही गेम में एग्जिट करना चाहे, हो सकता है यूजर चाहे कि मैं सात दफा खेल लूँ, आठवीं दफा वो चाह रहा है कि एग्जिट हो, तो आपको नहीं पता कि व्हेन यूजर विल हिट द जीरो. नंबर ऑफ इटरेशंस आपके पास फिक्स नहीं है, तो आप व्हाइल लूप सेलेक्ट करेंगे. इन व्हाइल लूप देयर इज नो प्लेस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन since the number of iterations are unknown. जो कि number of iterations जो है वो unknown है, आपको नहीं पता कितने times आपको चलाना है program, तो ना आप increment statement की value में जगह होती है, ना decrement statement की value में जगह होती है, ना हम looping को increase कर सकते हैं, ना decrease कर सकते हैं. syntax पे आ जाइए, slide number 6. while statement use करने के लिए हमारे पास जो keyword है वो while है, while. ठीक है, और उसके फौरन बाद जो है हम टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं. हमें इनिशियलाइजेशन लूप का पार्ट नहीं है, इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप लूप से पहले इनिशियलाइज करके लूप में एंटर होंगे. ठीक है, लेकिन फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द लूप, व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द लूप, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम में आप कहीं पर भी आपने वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ, उस वैल्यू के साथ आप व्हाइल लूप चला सकते हैं. ठीक है, while loop is सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन की जगह है. राउंड ब्रैकेट्स में आपको सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन देना है, while loop का काम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को टेस्ट करना है जो आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर दिया है. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसी किस्म की कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगी. अगेन जैसे फॉर लूप में था, अगर हम ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ द लूप बाय डिफॉल्ट, और बाकी तमाम स्टेटमेंट्स लूप का पार्ट नहीं होती. यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक स्टेटमेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो वाइल का पार्ट होती है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स को वाइल का पार्ट बनाना है तो यू यूज कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दैट. ठीक है, तो ये आपके पास काम करने का तरीका है. वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब कंडीशन क्या है, हमने टेस्टिंग क्या रखी हुई है कि एन की वैल्यू जब तक जीरो ना हो, जब तक जीरो नहीं होगी स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, और ट्रू स्टेटमेंट का मतलब यह है कि वैल के साथ जो भी आपने स्टेटमेंट दी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी. जैसे ही वैल्यू जीरो हो जाएगी एन की, आपका जो वैल या लूपिंग की जो टेस्टिंग है वो फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स होने के सूरत में हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे. तो अगेन चाहे फॉर लूप हो चाहे वैल लूप हो, आपको टेस्ट एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बनानी होगी ताकि आप सक्सेसफुली लूप से बाहर आ जाए. अगर आप टेस्टिंग एक्सप्रेशन गलत बनाएंगे या इसका ख्याल नहीं करेंगे, इनिशियलाइजेशन या टेक्स्ट का सही से ख्याल नहीं करते हैं, तो या तो लूप स्टार्ट ही नहीं होगा, शुरू ही में फॉल्स हो जाएगा, या तो लूप स्टार्ट होने के बाद एंड नहीं हो रहा होगा, इनफाइनाइट चला जाएगा. ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है कि टेस्टिंग एक्सप्रेशन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. वाइल की स्टेटमेंट के बारे में भी वही बात है कि वाइल से आपके पास स्टेटमेंट स्टार्ट होगी और सेमी कॉलन पे आके एंड होगी, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट कहलाती है वाइल स्टेटमेंट. तो आपके पास वाइल के फौरन बाद कोई सेमी कॉलन नहीं आएगा. इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ब्रैकेट्स के बाद कोई सेमी कॉलन नहीं आएगा.
ठीक है, तो while does not carry any semicolon in its syntax. और अगर आप semicolon लगा देंगे, इसका मतलब है आपने एक लूप चलाया जिसके जिसको कोई काम नहीं करना था, बट टेस्ट करना था, और वो बंद हो गया. ठीक है, बाद की स्टेटमेंट लूप का पार्ट नहीं रहेगा. इफ यू पुट अ सेमीकोलन हियर, इफ यू पुट अ सेमीकोलन हियर, देन व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट व्हाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नथिंग टू एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट एंड. ठीक है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द लूप, क्योंकि आपने व्हाइल की स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लोज कर दी है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर स्टेटमेंट. ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं देंगे, बल्कि कोई काम करवाने के बाद आप सेमीकोलन देते हैं. इसके फ्लो चार्ट पे आ जाए. सिंस देयर इज नो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सो वी डू नॉट ड्रॉ एनी इनिशियलाइजेशन बॉक्स एज अ पार्ट ऑफ द लूप. जैसे फॉर लूप में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन बॉक्स था, ठीक है, वो लूप का पार्ट था. व्हाइल में इनिशियलाइजेशन बॉक्स जो है लूप का पार्ट नहीं है. इट मे बी द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द व्हाइल लूप. व्हाइल का क्या पार्ट है? प्रोग्राम आपका चल रहा है, कंटिन्यू है, टेस्ट एक्सप्रेशन ये चेक करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन के हिसाब से बॉडी ऑफ लूप का एग्जीक्यूट करेगा. अंटिल एंड अनलेस इट इज ट्रू, इट विल वर्क, एंड इफ द कंडीशन फॉल्स, तो ये आपके पास लूप से एग्जिट हो जाएगा. लूप के बाहर जो भी आपने काम बोला हुआ है, वो काम के बॉक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे. तो लूप के अंदर ना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बॉक्स है, ना लूप के बाहर कोई इनिशियलाइजेशन बॉक्स है जो कि लूप का पार्ट है. टू बी नोटेड, इनिशियलाइजेशन इज टू बी डन बिफोर एंट्रिंग द लूप. जो भी आपको इनिशियलाइजेशन करनी है, आप उसको प्रोग्राम का पार्ट बनाएंगे. इनिशियलाइजेशन एंड की वैल्यू पहले से इनिशियलाइज हो चुकी होगी प्रोग्राम में, वो उस वैल्यू को टेस्ट कर रहा होगा कि क्या वो जीरो तो नहीं है, उस पर काम कर रहा होगा. ऑल्सो देयर इज नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन, किसी किस्म का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इसमें नहीं है. अगर आपको जरूरत पड़े, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन या लेस देन का, आपको वैल्यू को मजीद इंक्रीज करवाना है, तो स्टेटमेंट व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर आप इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है. अगर आपको जरूरत पड़ी है तो आप दे दें, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं दे. इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक. लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑन द एग्जाम्पल. इसको हम ड्राई रन करेंगे. ड्राई रन का मतलब ये, इस प्रोग्राम को हम यहीं पर रन करने की कोशिश करेंगे माइंड में, और हम इसका आउटपुट चेक कर लेंगे. ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है एंड ऑन जीरो. ठीक है, इसका वर्जन जीरो है, कोई भी प्रोग्राम का नाम है, बुक का प्रोग्राम है जो एज इट इज कॉपी कर दिया गया. आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को ऐड किया है, नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन. प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने एन की वैल्यू 99 की दी है. मेक श्योर एन इजंट इनिशियलाइज्ड टू जीरो. एन की वैल्यू हमने डेलिब्रेटली इंटेंशनली जानकर जीरो नहीं की है, क्योंकि हमने आके जो टेस्टिंग लगाई हुई है वो जीरो पे लगाई हुई है. दोनों सूरतों में मैं समझाऊंगी आपको. ठीक है, जीरो कर देंगे तो क्या है, अभी मैं समझा रही हूँ नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है. ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त हमने नहीं किया वैन इक्वल्स टू जीरो, तो इसको समझ लेते हैं. फिर अगर हम एन को जीरो कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, प्रोग्रामिंग को हम दोनों एक्सपर्ट से समझ लेते हैं. हमने एन की वैल्यू 99 रख ली है. एन की वैल्यू कुछ भी रख लें, जीरो ना रखें. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. व्हाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एन जब तक जीरो नहीं है, सी इन एन, एन की वैल्यू इनपुट लेते रहो. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, व्हाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एन की वैल्यू जब तक जीरो नहीं है, जब तक नहीं है, व्हाइल मतलब जब तक, नॉट इक्वल्स टू नहीं है, सी इन एन, एन की वैल्यू इनपुट लेते रहो, बैक टू बैक इनपुट लेते रहो. जब एन की वैल्यू जीरो हो जाए, एक दफा यूजर ने एन की वैल्यू जीरो डाल दी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स होने की सूरत में बाहर आ जाए, बाहर आने की सूरत में एंडल कर दे प्रोग्राम में, कर्सर न्यू लाइन पर आ जाए, रिटर्न जीरो का जो भी मैसेज है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए. तो क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम मैंने रन किया, एन की वैल्यू हो गई 99 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू होने की सूरत में इसने इनपुट ले लिया, मैंने स्क्रीन पे जो है वो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है. ठीक है, 99 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू हो गया. ट्रू होने की सूरत में ये मुझसे यहाँ पे कर्सर ब्रिंग हो रहा है, मुस्तकिल नंबर मांग रहा है, मैंने नंबर इंटर कर दिया 8.
जब मैंने 8 इंटर किया तो इसने चेक किया, अब n की वैल्यू 8 हो चुकी है, 99 नहीं गई अब, ठीक है। अब 8 चेक हो रहा है, 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, बात हो गई ट्रू। तो इसने मुझसे दोबारा इनपुट लिया, मैंने दोबारा इनपुट दिया, मैंने नेक्स्ट टाइम इसको इनपुट दे दिया 20। अब n की वैल्यू हो गई है 20, 20 इज नॉट चेक विद 0, 20 is not equals to 0, again 2, again 2 होने की सूरत में it will come back to the loop, loop के अंदर आया, उसने input लिया, मैंने loop की value दे दी -3, ठीक है, मैं -3 भी दे सकती हूँ, negative value भी दे सकती हूँ, -3 is not equals to 0, again 2, अंदर आया, उसने n की value ली, n की value मैंने दे दिया 0, अब ये वापस गया 0, is not equals to 0, अब यहाँ पे condition हो गई false, फॉल्स होने की सूरत में ये मुझसे अब इनपुट नहीं लेगा क्योंकि लूप के अंदर गया ही नहीं, ये बाहर आ जाएगा और बाहर इसको बोला हुआ है कि सी आउट कर दो एंड एल, जो भी वैल्यू थी, जो भी कर्सर था, अब यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, रिटर्न जीरो की वजह से, और आपके पास ब्रैकेट ऑफ हो गई। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यूजर ने आउटपुट दिया हुआ था पहले 1 is not equals to 0 था, तो 27, 33, 144 user back to back input enter करता जा रहा है, यहाँ तक उसने 0 enter किया। मैं जब program चलाया था तो मैंने 4th time में 0 दिया था, number of iteration is unknown, I gave 0 value at the 4th attempt, user gave the 0 value at the 6th attempt, तो जब भी 0 values को मिली है इसने loop को exit करके बाहर आ गया, and number of iteration is not fixed, ठीक है। दोबारा प्रोग्राम चलाया, ठीक है, यूजर ने सेकंड टाइम ही 0 एंटर कर दिया, सेकंड टाइम में लूप से बाहर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है यहां तक? कोई सवाल? यस मिस। ठीक है, अब हम कर रहे हैं int n equals to 0, फॉर एग्जाम्पल हमने 0 इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। गुड, अच्छा, अब हमने कह दिया फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू हमने प्रोग्राम में 0 कर दी, अब आ जाइए n की वैल्यू हो चुकी है 0, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 0, वाइल 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यहीं पर ये वैल्यू फॉल्स हो गई, वो पहली दफा ही में नहीं चलेगा, प्रोग्राम हैंडल पे चला जाएगा। आई रिपीट, इफ आई इनिशलाइज एन वैल्यू टू 0, लूप विल गेट फॉल्स वैल्यू एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट 0 वैल्यू हो गई, कैसे, एन को हमने कर दिया 0, जब अगर हम एन को 0 कर देंगे तो जब 0 0 से कंपेयर हुआ तो वैल्यू फॉल्स हो गई, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, वैल्यू फॉल्स, 0 इज इक्वल्स टू 0, अपोजिट होता है, ठीक है, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, वैल्यू यहीं पे फॉल्स हो गई, उसने पहले ही दफा इनपुट नहीं मांगा यूजर से, लूप के अंदर गया ही नहीं, वो बाहर रैंडम हो गया। लॉजिकली कोई मसला नहीं है, ठीक है, लॉजिकली कंपाइलर ने सही काम किया है, लेकिन आपका जो टारगेट था कि जीरो पे एग्जिट करना था वो खराब हो गया, क्योंकि आपने खुद ही वैल्यू जीरो इनिशलाइज करके दे दी, ये फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं वो वैल्यू इनिशलाइज कर दूंगी जिसको मैंने टेस्टिंग में लगा दिया था तो मेरा लूप पहली ही दफा में फॉल्स हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एन से इनिशलाइज, मैं 99 या 0 से इनिशलाइज नहीं कर रही, मैं वैल्यू -3 से इनिशलाइज कर रही हूँ, तो -3 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू हो गया, ट्रू होने की सूरत में इनपुट ले लिया, यानी वैल्यू कैन एनी वैल्यू बट इट कैन नॉट बी 0, 0 लेने से आपके जो लूप है वो चल नहीं रहे, तो हम इस वजह से 0 नहीं लेंगे क्योंकि मैंने टेस्टिंग 0 पे लगाया हुआ है। अगर मैं लिख दूँ एन इज नॉट इक्वल टू 5, तो अब मैं टेस्टिंग 5 नहीं लूँगी, इनिशलाइजेशन 5 नहीं लूँगी, अगर मैं 5 लूंगी तो वो पहली दफे में फॉल्स हो जाएगा, अब मैं 0 ले लूँ, 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, -5 ले लूँ, लेकिन मैं +5 नहीं लूंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम जो इनिशलाइज कर रहे होते हैं वो ये देखते हुए कर रहे होते हैं कि हमने टेस्टिंग किस पे लगाई है ताकि हमारा लूप सक्सेसफुली रन हो, तो हमने दोनों चीज़ें देख ली, 0 लेने की सूरत में क्या होगा, 0 नहीं लेने की सूरत में क्या होगा। द व्हाइल लूप लुक्स लाइक अ सिंपलीफाइड वर्जन फॉर द फॉर लूप,
फॉर लूप के मुकाबले में वाइल लूप इज अ वेरी सिंपल वर्जन. क्यों? क्योंकि हमने उसमें इंक्रीमेंट्स नहीं देने, हमने उसमें टेस्ट इनिशियलाइजेशन नहीं देनी. इट कंटेन्स अ टेस्ट एक्सप्रेशन बट नो इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन. जरूरत पड़ेगी तो हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देंगे, ठीक है. लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो एज अ प्रोग्राम का पार्ट होगा. एज लॉन्ग एज द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू द लूप कंटिन्यूज टू बी एग्जीक्यूटेड. जब तक ट्रू है लूप कंटिन्यू रहेगा. In end on zero, the test expression n is not equals to zero is true until the user enters zero. जब तक user zero enter कर दे नहीं करता है तब तक जो है आपका loop zero पे रहेगा, क्योंकि हमने loop को zero के हिसाब से set किया है. A classic program है, write a program that asks user to enter any number 1 to 10 and print its factorial using while loop. फॉर लूप का प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको रिवाइज भी कर लिया है. वही काम करना है, बस हमने एक स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दी है और जो एक स्टेटमेंट हमने ऐड की है वो है Each time the user is asked if he wants to continue or not. जी फहद, क्या आपने रेज हैंड किया है, बोले कुछ सवाल है? फहद प्रोग्राम में लेक्चर पे वापस आते हैं. क्लास राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स यूजर टू एंटर एनी नंबर 1 टू 10 एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल यूजिंग व्हाइल लूप. हमें टास्क ये गिवन है कि व्हाइल लूप यूज करते हुए प्रिंट इट्स फैक्टोरियल यूजिंग व्हाइल लूप. ईच टाइम द यूजर इज आस्क्ड इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू और नॉट. हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जो कि 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल को प्रिंट करे. और व्हाइल लूप भी हमें प्रोग्राम में यूज करना है. और हमें प्रोग्राम में हमें काम एडिशनल काम बोला हुआ है कि हम अब यूजर से पूछे कि क्या उसको मजीद फैक्टोरियल का प्रोग्राम चाहिए या नहीं, ये प्रोग्राम उसको कंटिन्यू करना है या नहीं. ठीक है, तो ये हमारा टास्क है. ये बाकी जो है हमारे पास हिंट है. काम ये करना है, क्लास प्रोग्राम तो यहाँ बना हुआ है उसी को मैं समझा रही हूँ. प्रोग्राम में क्लास हमने काम क्या किया है कि ये जो फॉर लूप वाला पार्ट है यहाँ से ये हमने एज इट इज उठा लिए, ठीक है. काम क्या करना था, हमने यूजर से नंबर लेना था, उसको हमने नम में सेव किया था. आई इक्वल्स टू नम करके 1 तक वैल्यू लेकर आए थे. फैक्टोरियल को हमने कैलकुलेट किया था और हमने स्क्रीन पे जो भी रिजल्ट था उसका वो प्रिंट करा दिया था कि फैक्टोरियल इज दिस वन, ठीक है. अब हमें काम क्या करना है, क्लास हमें यूजर से पूछना है इफ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इट और नॉट. यहाँ पे क्लास हमारे पास जो है वो हमारा टारगेट जो है क्लास यहाँ से स्टार्ट है. अब मैं व्हाइल लूप से ये काम करवाना है. डू यू वॉन्ट फैक्टोरियल प्रोग्राम, हमने काम ये किया कि ये वाला जो पार्ट था ये तो फॉर लूप का एज इट इज उठा लिया. फॉर लूप व्हाइल लूप जो है हमारे पास कंपेटेबल होते हैं. व्हाइल के अंदर फॉर यूज कर सकते हैं, फॉर के अंदर व्हाइल यूज कर सकते हैं, दोनों के अंदर इफ एल्स यूज कर सकते हैं. ये सब जो है कंपेटेबल है लूपिंग, ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. हमें यूजर से पूछना है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यस और नो, वाई या एन. यकीन है जब हम ये सवाल पूछेंगे यूजर से तो यूजर वाई या एन इंटर करेगा, ठीक है. अगर यूजर ने वाई इंटर किया है वो हमने ऑप्शन में सेव कर दिया. अगर यूजर ने एन इंटर किया वो भी हमने ऑप्शन वेरिएबल में सेव कर दिया. लूप हमने लगाया है ऑप्शन वेरिएबल पे. ऑप्शन की वैल्यू को हमने चेक किया है कि क्या वाई है स्मॉल या कैपिटल. प्रोग्राम में क्लास समझा रही हूँ, उसके बाद हम व्हाइल लूप वाली लाइन को सही से समझेंगे. इंट नम इक्वल्स टू 1, फैक्ट चार ऑप्शन है आपके पास. एक आपने ऑप्शन चूके लेने हैं, वाई एन इज अ करेक्टर डेटा टाइप, तो हमने उसके लिए करेक्टर ले लिया. हमने स्टार्ट में यूजर से पूछा डू यू वॉन्ट फैक्टोरियल प्रोग्राम, यूजर ने यकीनन वाई या एन में से कोई वैल्यू एंटर की है. फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इंटर कर दिया है यहाँ पे y, तो ऑप्शन की वैल्यू हो गई है इस वक्त y.
लूप हमने लगा दिया, अगर ऑप्शन की वैल्यू y है स्मॉल या कैपिटल y, दोनों सूरतों में प्रोग्राम चल जाए। तो चूंकि हमारे पास यूजर ने y इंटर किया था तो ये वाली वाइल की कंडीशन हो गई ट्रू, टू होने की सूरत पर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। प्रोग्राम ने बोला कि इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, यूजर ने इंटर कर दिया नंबर 7, 7 इंटर करने की सूरत में 7 का फैक्टोरियल चला, स्क्रीन पे 7 इंटर 7 का रिजल्ट आ गया फैक्टोरियल का। और उसके बाद ये पूरा लूप का पार्ट है, ठीक है, फॉर लूप खत्म हो गया, वाइल लूप कंटिन्यू है। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यूजर ने दोबारा इंटर कर दिया वाई, वाइल ऑप्शन की वैल्यू y, y इक्वल टू y है, y की वैल्यू यस हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू होने की सूरत में दोबारा इंटर हुआ, इससे दोबारा यूजर से मांगा, यानी एक दफा लूप चल चुका था। अब दोबारा चूंकि y वैल्यू दे दिया यूजर ने कंटिन्यू की फॉर्म में, तो ऑप्शन की वैल्यू y हो गई, y पे हमने चेक लगाया हुआ है, टेस्ट लगाया हुआ है, y जिसने टेस्ट किया टेस्ट ट्रू हो गया, ट्रू होने की सूरत में दोबारा वैल्यू ली, यूजर ने नया नंबर दिया, उस नया नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, वो प्रिंट हो गया, यूजर से दोबारा पूछा गया डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यूजर ने इंटर कर दिया कैपिटल y, ऑप्शन की वैल्यू हो गई कैपिटल y, ये गया while capital y equals to small y, ये तो false हो गया, मगर capital y equals to capital y, yes it is true, जी कोई सवाल है तो पूछ ले। चले बेटा डिस्टर्ब नहीं करे, फिर जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम दूंगी ठीक है उस वक्त पूछ लीजिएगा, वरना अगर इस तरह बीच में अगर सवाल पूछना है तो फिर पूछ ले सवाल, ठीक है। अच्छा बहरहाल आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने कैपिटल वाई दिया, तो कैपिटल वाई के लिए ये वाली टर्मिनोलॉजी सही हो गई, कैपिटल वाई कस टू कैपिटल वाई, यस टू टू होने की सूरत में दोबारा लूप चला, प्रोग्राम यूजर ने कोई नंबर दिया था उसको फैक्टोरियल दिखा दिया, अब की बार यूजर ने एंटर किया, जब उससे पूछा गया डू यू वांट टू कंटिन्यू, यूजर ने एंटर किया एन, एन एंटर करने की सूरत में अब ऑप्शन की वैल्यू हो गई है एन, व्हाइल एन इक्वल्स टू वाई फॉल्स, या एन इक्वल्स टू कैपिटल वाई अगेन फॉल्स। अब इस सूरत में पूरा का पूरा वाइल लूप जो हो गया वो फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू एन है जो कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से मैच नहीं कर रही, फॉल्स होने की सूरत में ये पूरा जो वाइल लूप है ये नहीं चलेगा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके स्क्रीन पे इसने थैंक यू प्रिंट किया, थैंक यू के बाद गेट सी एच की कमांड रन हो गई, गेट सी एच की कमांड भी मैं अभी थोड़ी देर में समझा रही हूँ, उसके बाद प्रोग्राम आपका एंड हो गया। अब दो तीन चीज़ें इसमें समझ लीजिए क्लास, माइक म्यूट कीजिए, अब आ जाइए यहाँ पे, दो तीन चीजें समझ लें क्लासेस में। एक तो ये कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ स्मॉल वाई या कैपिटल वाई को चेक कर रहा है, अगर यूजर ने एन नहीं प्रिंट किया है, यूजर ने फॉर एग्जांपल टी इंटर कर दिया है, टी की सूरत में भी ये फॉल्स हो जाएगा, यूजर ने अगर के इंटर कर दिया के की सूरत में भी फॉल्स हो जाएगा, यानी वाई के लिए सिर्फ चेक कर रहा है, वाई अगर इंटर किया तो प्रोग्राम चलेगा, वाई के अलावा यूजर ने कुछ भी इंटर कर दिया, कोई और करेक्टर भी इंटर कर दिया है तो ये आपके पास ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने की सूरत में लूप नहीं चलेगा। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ आ गई कि ये लूप सिर्फ उस वक्त चलेगा जब वाई इंटर हुआ हो, वाई के अलावा तमाम ऑप्शन जो है वो फॉल्स काउंट होंगे। दूसरी चीज़ क्लास सेट इक्वल्स टू वन, ये समझ लीजिए लाइन, जब जब हम लूप में इंटर हो रहे हैं हमने फैक्ट की वैल्यू को वन कर दिया इनिशियलाइज, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको वन इनिशियलाइज नहीं करूंगी तो चूंकि एक दफा प्रोग्राम चल चुका है तो फैक्ट के अंदर पुराना फैक्टोरियल का रिजल्ट सेफ हुआ है। अगर मैं यूजर कह रहा है कि हाँ मुझे दोबारा प्रोग्राम चलाना है, दोबारा फैक्टोरियल चाहिए, और दोबारा फैक्टोरियल के लिए मैं अगर वन नहीं करूँगी तो पिछला जो फैक्टोरियल प्रोग्राम चला था उसकी वैल्यू इसके अंदर मौजूद रहेगी, वहाँ से फैक्टोरियल की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी और नया काउंटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओरिजिनल फैक्टोरियल प्रिंट नहीं होगा, पिछली वैल्यू के साथ फैक्टोरियल काउंट होना शुरू हो जाएगा।
इस वजह से जब जब हम लूप में एंटर हो रहे हैं, हमने फैक्ट को हर दफा वन किया है, क्योंकि मुझे हर दफा यूजर के हिसाब से फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल को वाइल के अंदर हमने वन किया है, फॉर के अंदर हमने वन नहीं किया, क्योंकि फॉर के अंदर जो है वो वैल्यू जो है उसको कंटिन्यू करना होगा। तीसरी चीज क्लास गेट सी एच कमांड, गेट सी एच इसको नोट कर लीजिए, गेट सी एच कमांड का मतलब होता है गेट करेक्टर। ठीक है, यानी कि पहले हमारे पास क्या आ रहा होता था कि हम प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा होता था, तो हम चाह रहे हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ ना आए, बस कर्सर ब्लिंक होता रहे वहाँ पे। हमने जैसे ही करेक्टर एंटर किया, प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। गेट सी एच कमांड जो होती है, ये कमांड मौजूद है कॉन आयो लाइब्रेरी पे, तो आपको जो कॉन आयो लाइब्रेरी है उसको आपको जो है वो ऐड करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, कौन आयो लाइब्रेरी है जो हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए सी ओ एन आई ओ, कंसोल इनपुट आउटपुट। दिस डॉट एच भी है। हाँ बिल्कुल, डॉट एच भी है, कौन आयो डॉट एच। एक है आयो स्ट्रीम, एक है कौन आयो डॉट एच। उसमें गेट सी एच की कमांड है, गेट की बहुत सारी कमांड है, गेट की कमांड जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी यूज हो रही होती है। ठीक है, बहरहाल अभी तो हम वहाँ पे नहीं जा रहे। अच्छा क्लास, एक छोटा सा ये प्रोग्राम था जो अभी हमने समझा। एक और प्रोग्राम है जो कि वाइल लूप पे ही काम कर रहा है, वो भी मैं क्विकली, अच्छा इसका आउटपुट समझ लेते हैं पहले। एक मिनट, क्लास मेरा जरा लैपटॉप नहीं हो गया है। ऑलराइट, तो हमारे पास डू यू वांट फैक्टोरियल प्रोग्राम, यूजर ने एंटर किया स्मॉल वाई एंटर करने के बाद उससे पूछा गया कि किसका चाहिए, उसने कहा फाइव का, फाइव का स्क्रीन पर आ गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, दोबारा वाई एंटर किया, टू वैल्यू हो गई थी, टू वैल्यू की वजह से उसने दोबारा पूछा, आप सिक्स का मांग रहे। फैक्ट की वैल्यू हमने वन कर दी थी, यहाँ पीछे नजर आ रहा है, इसीलिए की थी क्योंकि अगर ये फैक्ट की वैल्यू वन नहीं की होती तो 120 से आगे फैक्टोरियल का कैलकुलेट होना शुरू हो जाता। ठीक है, फिर कैपिटल वाई दिया, कैपिटल वाई भी टू वैल्यू कहलाई थी, यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ, यूजर स्मॉल इंटर का कैपिटल एंटर करे, उसको प्रोग्राम चला के दिखा दिया जाए। सेवन इंटर किया, सेवन के हिसाब से वैल्यू हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने किया डू यू वांट टू कंटिन्यू, एन हमने इंटर कर दिया, एन के बाद लूप से बाहर आ गया, थैंक यू मैसेज था वो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। एन के अलावा कोई भी करेक्टर हम इंटर करेंगे वो लूप से बाहर आ ही जाएगा, वाई के अलावा कोई भी होगा। ठीक है, और गेट सी एच कमांड की वजह से आपको यहाँ पे प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू जो एक स्टेटमेंट थी वो नजर नहीं आ रही, यहाँ पे ब्लैंक हो रहा होगा। इस पर मैंने इंटर किया कोई भी नंबर, के जे आई कोई भी, मैं करेक्टर एक करेक्टर इंटर करूँगी तो ये वाला इसने गेट करेक्टर करेक्टर ले लिया, उसके बाद कोई स्टेटमेंट थी नहीं तो प्रोग्राम आपके पास एंड हो गया। ये आपके पास ये सारी चीज़ें चला के देखिएगा, गेट सी एच रखिएगा, हटा दिएगा, दोनों तरीके से करके देखिएगा, फैक्ट की वैल्यू वन कीजिएगा, ये लाइन हटा दीजिएगा, फिर देखिएगा कि क्या चेंजिंग्स आई है, ऑप्शन में बाय की जगह वैल्यूज डाल के देखिएगा, फिर देखिएगा कि क्या आया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम आपके पास कोड मौजूद है, लाइब्रेरीज आपको बस ऐड करनी होंगी और प्रोग्राम आपका जो है ये आपको चला के इसको देखना है। छोटे से दो प्रोग्राम्स हैं क्लास जो कि वाइल लूप से रिलेटेड मुझे समझाना है। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को जो है वो पॉज कर रही हूँ क्लास को, और मैं नया लिंक शेयर कर रही हूँ, स्लाइड नंबर 13 से हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है इस